साउथ वाले खासकर तेलंगाना वालों में अलग ही लेवल की शिद्दत देखने मिल रही है। हाई टेक एग्जाम है, तो जैसा कि लास्ट टाइम का एग्जाम पैटर्न था बोल सक रहे हो, या एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। सिंगरेनी कॉलरी कंपनी लिमिटेड, जिन्होंने माइनिंग वालों के लिए 139 मैनेजमेंट ट्रेनी का वैकेंसी निकाला है, ये जो वैकेंसी है उसके लिए साउथ वाले खासकर तेलंगाना वालों में अलग ही लेवल की शिद्दत देखने मिल रही है। हाई टेक एग्जाम है। इस वैकेंसी का वैल्यू या इंपॉर्टेंस आप इस बात से समझ सकते हैं कि जो ऑलरेडी जॉब में है कोल इंडिया या दूसरे किसी पीएसयू के अंदर में, जो असिस्टेंट मैनेजर या डिप्टी मैनेजर के भी पोस्ट में है, वो भी सिंगरेनी कॉलरी कंपनी लिमिटेड के वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहा है। उनके लिए कहीं ना कहीं SCCL का वैकेंसी बाकी सारे पीएसयू से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आज के इस वीडियो में इसी सिंगरेनी कॉलरी कंपनी लिमिटेड के वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। क्या क्या है जो आपको एग्जाम में पूछा जाने वाला है, किस तरह का इसका एग्जाम पैटर्न होने वाला है, लास्ट जो एग्जाम हुआ था वो किस तरह से था, किस तरह के क्वेश्चंस उसमें पूछे गए थे, कहां से आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं और आपके तैयारी में माइनिंग ज्ञान का क्या योगदान हो सक रहा है, इन सारी चीजों पर आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सिंगरेनी कॉलरी कंपनी लिमिटेड, जिसके लिए लाइव ऑनलाइन कोर्स आपको माइनिंग ज्ञान ऐप पे मिल जाएगा। माइनिंग ज्ञान ऐप पे हमने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जब मैं सिलेबस की बात करता हूं तो मैं लास्ट जो एग्जाम हुआ था 16-17 के अंदर में उसके सिलेबस की बात करता हूं। इस बार कोई भी ऑफिशियल सिलेबस अभी तक नहीं आया है। हमने जो कोर्स लॉन्च करा है या लाइव ऑनलाइन कोर्स जो माइनिंग ज्ञान के अंदर में अवेलेबल है, उसके अंदर में कंटेंट या पूरे कोर्स को जो डिजाइन करा है वो लास्ट टाइम के सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइन करा है, जिसके अंदर मैं आपको देख सक रहे हैं कि कंटेंट सेक्शन में जब आप जाएंगे तो आपको टेक्निकल सेक्शन के अंदर में जो भी माइनिंग के सब्जेक्ट्स हैं, माइन मैनेजमेंट एंड लेजिस्लेशन, माइनिंग मेथड, फिर माइन वेंटिलेशन, माइन फायर्स, एक्सप्लोजन्स, इनंडेशन, देन ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, एक्सप्लोजिव्स, रॉक मैकेनिक्स एंड ग्राउंड कंट्रोल, माइनिंग मशीनरी, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल एनर्जी, फंडामेंटल्स ऑफ माइनिंग जियोलॉजी, फिर फंडामेंटल्स ऑफ माइन सर्वेइंग, ये इस तरह के जो भी आपके टॉपिक है जो सिलेबस के अंदर में दे रखे थे लास्ट टाइम या पूछा गया था लास्ट टाइम, उसके अकॉर्डिंग हमने कोर्स क्रिएट कर दिया है। इसमें कई सारी चीजें ऐसी है जो रिकॉर्डिंग्स है, जो माइनिंग ज्ञान के टॉप क्लास फैकल्टीज हैं उनके द्वारा जो क्लास कंडक्ट किए गए थे उनके रिकॉर्डिंग्स को हमने इन कोर्स के अंदर में अपलोड कर दिया है। इसके अलावा जो कुछ भी इसके अंदर में मान लो अवेलेबल नहीं है उसको लाइव क्लास के अंदर में कंडक्ट करा जाएगा। इस कोर्स के अंदर में हमारा प्लानिंग क्या है, एक तो आपके सिलेबस के हर एक पॉइंट को जहां कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है बहुत ही अच्छे से डिटेल में कवर करा जाए कि आपके एग्जाम के अंदर में उससे बाहर क्वेश्चन ना बने, पहली बात। दूसरा चीज, लास्ट ईयर का जो एग्जाम हुआ था, जो आपके सीनियर है जिन्होंने यह एग्जाम दिया था या क्वालिफाई करा था, उनके द्वारा जो हमको फीडबैक मिला या रिव्यू मिला है पेपर का, उसके अकॉर्डिंग जो पेपर था उसमें ज्यादातर पोर्शन न्यूमेरिकल्स है जो पूछे गए थे, पहली बात। दूसरी बात, वो जो न्यूमेरिकल्स थे वो डायरेक्टली पूछे गए थे एके गोरे से। एके गोरे जो वो गेट वालों के लिए एक इंपॉर्टेंट बुक है, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा NCDE, GK प्रधान, इस तरह के बुक से भी क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जाम के अंदर में। तो जैसा कि लास्ट टाइम का एग्जाम पैटर्न था बोल सक रहे हो, या एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, उस चीज को हम ध्यान में रख करके इस कोर्स के अंदर में आपको एक एक और एक का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन देने वाले हैं कि जो कुछ भी क्वेश्चन एक और एक के अंदर में दिया हुआ है उसको हम क्लास के अंदर में डील करेंगे, वो भी पूरी तरह से 100% इंग्लिश लैंग्वेज में। जो हिंदी वाले उनके लिए तो कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, आप बोले तो मैं गेट का भी कंटेंट इसके अंदर में अपलोड करवा दूंगा, लेकिन जो इंग्लिश वाले हैं जो साउथ से बिलोंग करते हैं जिनको हिंदी नहीं आता, उनके लिए बड़ा दिक्कत हो रहा था कि सर आपका जो कंटेंट है ना इंग्लिश में तो है, समझ में तो आ जा रहा है, लेकिन ज्यादा अच्छा होता कि आप कंटेंट को पूरी तरह से इंग्लिश में देते तो हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता। तो आपकी समस्या को ध्यान में रखते हुए फाइनली माइनिंग ज्ञान क्या कर रहे हैं कि जहां से क्वेश्चन बनता है उन्हीं चीजों पे, क्योंकि हम हर एक चीज को दोबारा से पूरी तरह से इंग्लिश में पढ़ाने जाए तो आपका जो एग्जाम है एग्जाम के पहले तक सारा सिलेबस को कवर करवा पाना प्रैक्टिकली टफ काम है। ये कहने के लिए आपको डायरेक्ट माइंड वेंटिलेशन दिखता है, लेकिन माइंड वेंटिलेशन का 3 वॉल्यूम जो आपने सेमेस्टर में पढ़ रखा था कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है।
तो उन सारी चीजों को हम लिमिटेड टाइम पे कैसे पढ़ें। तो आपका नॉलेज ये है जो काम में आने वाला है, इस लिमिटेड टाइम में हम क्या कर सकते हैं, जो न्यूमेरिकल्स एग्जाम के अंदर पूछा जा रहा है उसके कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करके दे सकते हैं, उन्हें क्वेश्चन को सॉल्व कराने का टेक्निक आपको दे सकते हैं, और जो प्रमुख बुक था लास्ट टाइम जहां से क्वेश्चन पूछे गए थे एक ही गोरे, उसका सॉल्यूशन आपको दे सकते हैं। तो वो जो सॉल्यूशन है पूरी तरह से इंग्लिश में आपको देने वाले हैं। अगर कोई होगा जिसको इंग्लिश उतना अच्छे से नहीं आता होगा उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन जो पूरी तरह से इंग्लिश वाले रीजन से बिलोंग करते हैं, साउथ से बिलोंग करते हैं, जिनको हिंदी में प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को ध्यान में रख करके हम पूरी तरह से क्लास को जो आगे जो भी लाइव क्लास होगा इंग्लिश में कंडक्ट करने वाले हैं। जो भी कुछ बाकी है जैसे फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ माइनिंग जियोलॉजी, ये जो पोर्शन है, ये जो टॉपिक है, इसको ना तो आपने कॉलेज के टाइम पे पढ़ा होगा और ना ही ये टॉपिक आपको उतने अच्छे से मिल पाएंगे जब आप खुद से ढूंढने जाएंगे। तो इन टॉपिक को हम पूरी तरह से इंग्लिश में करवाने वाले हैं, ये जो अलग से माइनिंग के अलावा जो टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखा है। और फिर जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग और जनरल नॉलेज, ये जो पोर्शन है यहां से भी आपके एग्जाम में जहां जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, पूरी तरह से उसी चीज को ध्यान में रख के, उसी चीज को फोकस करके हम नॉन टेक्निकल सेक्शन के सिलेबस को भी पूरी तरह से इंग्लिश में कराने वाले हैं। वो जिनको हिंदी से प्रॉब्लम हो रहा था भाई साहब, तो अभी आपको कोई दिक्कत नहीं होना है। जो बाकी की चीजें जो भी है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है आपके एग्जाम के अंदर में, जो इजिली आपको नहीं मिलती है, खुद से पढ़ने में जिसको दिक्कत है, उन सारी चीजों को हम 100% इंग्लिश में करवाने वाले हैं। तो यदि आप हमारे लाइव ऑनलाइन कोर्स के अंदर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपने करना क्या होगा, माइनिंग ज्ञान 2.0 ऐप को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको उस ऐप के अंदर में SCCL मैनेजमेंट ट्रेनी ऑनलाइन कोर्स या कोर्स मिल जाएगा, जिसे आप हमारे ऐप के माध्यम से परचेस कर सकते हैं। यदि आप SCCL मैनेजमेंट ट्रेनिंग एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपने प्रिपरेशन को पक्का करने के लिए, एक वेल डायरेक्शन देने के लिए, बेस्ट फैकल्टी मेंबर्स का अगर सपोर्ट चाह रहे हैं, एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट का सपोर्ट चाह रहे हैं, तो तुरंत करके माइनिंग ज्ञान 2.0 ऐप को डाउनलोड करके सिंगरेनी कॉलरी कंपनी लिमिटेड के हमारे लाइव ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लाइव क्लास, ये जो कोर्स है इसके अंदर में जो लाइव क्लास है वो 11 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। तो जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कीजिए और हमारे कोर्स का फायदा उठाइए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।